प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है स्वस्थ और आनंदित होंगे। बच्चों, क्या आपको घूमना पसंद है? भाई, मुझे तो घूमना बहुत पसंद है। क्या आप मेरे साथ घूमने चलेंगे? चलेंगे? ठीक है, फिर चलिए सामान की पेटी बांध लीजिए। आज हम हर्ष के परिवार के साथ विजयवाड़ा की यात्रा पर जाएंगे। हर्ष का परिवार रेलवे स्टेशन पहुंच गया है। दिनांक 24 नवंबर, समय सुबह के 8:25। जल्दी चलो, रेलगाड़ी छूटने वाली है, लड़की कहती है। अरे वाह, हम रेलगाड़ी में जाएंगे। दिनांक 24 नवंबर, समय दोपहर के 1:15। दादाजी, अभी 1:15 हुए हैं, हमें नानी के घर पहुंचने में कितना और समय लगेगा? दादाजी कहते हैं, अब अगले 1 घंटे में हम विजयवाड़ा पहुंच जाएंगे। दिनांक 25 नवंबर, समय रात के 10:00। माँ, मामा जी अच्छे लग रहे हैं। उसकी माँ ने कहा, हाँ बेटा, आज उनकी शादी जो है। बुजुर्ग दादाजी ने कहा, जीते रहो बेटा। दिनांक 26 नवंबर, समय सुबह के 8:00। माँ, हमारी रेलगाड़ी 1 दिन बाद है, क्या आज हम घूमने जा सकते हैं? हाँ, हम आज सुबह 11:00 मंगलगिरी की पहाड़ियों पर घूमने जाएंगे। वाह, बड़ा मजा आएगा। दिनांक 26 नवंबर, समय शाम के 5:00। देखिए दादी, ये पेड़ पौधे कितने सुंदर हैं, यहाँ कई सुंदर फूल भी हैं। दादाजी कहते हैं, बच्चों, शाम के 5 बज गए हैं, हमें अब चलना चाहिए वरना देर हो जाएगी। हाँ। दिनांक 27 नवंबर, समय सुबह के 9:00। हम 8 घंटे बाद वापस आएंगे। परिवार ने सुबह 9:00 बस से कोंडापल्ली किला जाने का फैसला किया। ठीक है सर, आप किले का दौरा करें, मैं आप सभी को लेने 8 घंटे बाद आऊंगा। आपकी यात्रा शानदार हो। दिनांक 28 नवंबर, समय शाम के 7:00। ओह पिताजी, हमारी यात्रा समाप्त हो गई और अब हमें अपने घर वापस जाना है, लेकिन मैं देश की सबसे तेज ट्रेन वंदे भारत में वापस यात्रा करने के लिए उत्साहित हूँ, लड़की कहती है। बहुत खूब। पिताजी कहते हैं, हाँ। दिनांक 28 नवंबर, समय रात के 11:30। माँ, मैं अपने मित्रों को इस रोमांचक यात्रा के बारे में बताने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता। हाँ, हम जल्दी ही फिर से ऐसी यात्रा करेंगे। तो ये थी हर्ष के परिवार की यात्रा विशाखापत्तनम से विजयवाड़ा तक। कैसी लगी? वैसे आपको याद है क्या हर्ष का परिवार विजयवाड़ा क्यों गया था? किसकी शादी थी, मामा जी या चाचा जी? अच्छा, अपनी कक्षा में आप सबको बताएं कि आपको इस यात्रा के बारे में क्या अच्छा लगा। भाई, मुझे तो कोंडापल्ली किले की यात्रा सबसे अच्छी लगी। क्या आप जानते हैं कोंडापल्ली के लकड़ी के खिलौने विश्व भर में प्रसिद्ध हैं? हर्ष के परिवार ने यात्रा किस दिन प्रारंभ की थी और वे कब वापस आए? उनकी यात्रा कुल कितने दिन की थी? आप उत्तर पता करने के लिए कैलेंडर का भी प्रयोग कर सकते हैं। हर्ष के परिवार ने इस दौरान 2 बार ट्रेन की यात्रा की। पता करें उन्हें विशाखापत्तनम से विजयवाड़ा और वापसी में विजयवाड़ा से विशाखापत्तनम तक पहुंचने में कितना समय लगा, दोनों में से किस में कम समय लगा और क्यों, इसकी भी चर्चा आप कक्षा में करें। अच्छा, अब ये बताओ, क्या आपने कभी कोई यात्रा की है? आपको उस यात्रा में सबसे अधिक क्या पसंद आया था? जब हम यात्रा पर निकलते हैं तो समय का ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी होता है, और सिर्फ यात्रा पर ही नहीं, प्रतिदिन
समय का ध्यान रखना जरूरी है। घर के बड़े कहते हैं हर काम समय पर करना चाहिए, पर क्या समय हुआ है यह कैसे पता लगाते हैं, जानना चाहते हैं? फिर बोलो, घड़ी तो देखी होगी आपने। हाँ, वही जो दीवार पर टंगी रहती है, कभी हाथ पर बंधी होती है। घड़ी में होते नंबर 1 से 12 और 2 सुइयां जो लगाए चक्कर दिन सारा। छोटी सुई बतलाती घंटा, बड़ी सुई मिनट, दोनों मिलकर समय बताती हमको हर दिन हर पल। छोटी सुई माने घंटे की सुई, बड़ी सुई माने मिनट की सुई। इन दोनों की स्थिति को देखकर बड़ी आसानी से समय का पता लगाया जा सकता है। चलिए उदाहरण से समझते हैं। इस घड़ी में छोटी सुई और बड़ी सुई की स्थिति को देखिए। यहाँ बड़ी सुई 12 पर है और छोटी सुई 3 पर। इसका मतलब अभी 3 बजे हैं। एक और उदाहरण लेते हैं। इस घड़ी में बड़ी सुई 12 पर है और छोटी सुई 9 पर। इसका मतलब यहाँ 9 बजे हैं। है ना आसान घड़ी से समय देखना? अब आप भी अपने विद्यालय जाने का, पढ़ने का, खेलने का, दोपहर में भोजन का समय इसी तरह घड़ी में भरकर घर पर बड़ों को दिखाइए। आओ अब मैं आपको गार्गी से मिलवाती हूँ। जैसे आपने विद्यालय जाने का, पढ़ने का, खेलने का, दोपहर के भोजन का समय घड़ी में दर्शाया, आपकी ही तरह गार्गी ने भी अपनी दिनचर्या को दिखाया है। क्या आप बता सकते हैं गार्गी का मित्रों के साथ खेलने का समय क्या है और वह कब विद्यालय जाती है? आप प्रत्येक चित्र के नीचे काम करने का समय लिखिए। बच्चों अब एक कविता पाठ करेंगे, लेकिन इस कविता का पाठ करने से पहले आप जहां से सूरज निकलता है उस ओर मुख करके खड़े हो जाइए। सुबह जहां से उगता सूरज दिशा वही कहलाती पूरब, पश्चिम ठीक पीठ की ओर जाकर जहां है छिपता सूरज, दोनों हाथ जरा फैलाओ उत्तर दक्षिण दिशा बताओ, दायां हाथ जिधर फैलाया दक्षिण दिशा उसे बतलाया, घूमो एक गोल सा चक्कर पूरब पश्चिम दक्षिण उत्तर। ये है कविता पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण। तो इस कविता से हमने जाना चारों दिशाओं के बारे में। पूरब दिशा वह है जहां से सूरज उगता है और पश्चिम दिशा वह है जहां जाकर सूरज छिपता है। पूर्व के बाएं और उत्तर और दाएं और दक्षिण दिशा होती है। यहाँ पर बच्चों एक सावधानी रखनी जरूरी है, आपका मुख पूरब की ओर होना चाहिए वरना सब दिशाएं गड़बड़ा जाएंगी। चलिए अब दिशाओं का उपयोग करना सीखते हैं। उसके लिए हमें कक्षा में जाना होगा। क्यों ना आज हम हनीत की कक्षा में जाएं? चलिए साथ में चलते हैं हनीत की कक्षा में। हनीत सारा से किस दिशा में बैठा है? आपकी मदद के लिए दिशा सूचक यंत्र या कंपास दिया गया है, उसका उपयोग करें। अच्छा अब एक पेंसिल लाइए और मीरा को ब्लैक बोर्ड तक पहुंचाने के लिए एक रास्ता बनाइए। मीरा पहले किस दिशा में जाएगी, दक्षिण या पूरब? और फिर किस दिशा में जाना होगा, उत्तर या पश्चिम? इसी तरह नितिन के लिए खिड़की तक जाने का रास्ता बनाइए और दिशा भी लिखें। आप अपने दोस्तों के साथ भी चर्चा करें, देखें उन्होंने कौन सा रास्ता चुना है। बच्चों आज बड़ा मजा आया, कुछ घूमा, कुछ गाया और कुछ बनाया। पर अब समय है मेरे जाने का। आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, खूब मजे करें, पर समय का भी ध्यान रखें। और अभी समय हुआ है मेरे जाने का, तो मैं चलती हूँ। टाटा।